बिस्मिल्लाह दोस्त, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंजन की फिटिंग। ये इंजन है दोस्तों, ये है गियर बक्सा। पिछली वीडियो में आपको हमने दिखाया था गियर बक्सा कैसे फिट होता है, ये हमने वहीं पे फिट कर लिया था। ये दोस्तों गियर बक्सा फिट हो गया, एक बोल्ड एक वाशल चेंजर की। उसके बाद ये किक सबल्डल, आपको टैमक भी हमने बताई थी। इसके बाद क्रैंक शाफ्ट, होंडा 70 का इंजन है क्रैंक शाफ्ट। ये सॉल्यूशन आपने वीडियो दोस्तों हमारी एंड तक देखनी है। इसके बाद दो डबले भी लगेगी, डबले लगा के इसके बाद हमने पैकिंग लगानी है। ये दोस्तों ये दो डबले, दूसरी डबल बेटा, दूसरी डबल दो, एक डबल और लगानी है। ये वाफिर हिस्सा पैकिंग का हमने कैंची की मदद से काट लेना है। ये दूसरी डबल प्लस दो बेटा, प्लस दो प्लस। दूसरा प्लस दो, डबल दोस्तों आमने सामने आ गई थी, मैंने देखा नहीं था। ये दूसरी डबल ये आ गई, ये फिर सब पैकिंग का काट देंगे। ये आपको याद रहे, ये टोटल नहीं काटना, तो इसके ऊपर सिलेंडर आता है, सिलेंडर की झरी में अगर ये जैन रह गया तो लीकिंग नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ये एक बैरिंग, ये इसके बाद फिर ये इंजन केस इसके ऊपर रख देना है। ये वाशल भी चेक कर लो, ये ऊपर एक और भी वाशल है। गियर बक्से की आपको हमने वीडियो इसकी इससे पहले वीडियो बना के दिखाई थी, किक शाफ्ट की भी दिखाई थी। ये दोस्तों ये बोल्ट याद रहे, ये बोल्ट आधा इंच काबले को रखोगे तो आधा इंच ऊपर रहे तो समझ लो बोल्ट बराबर है।
ये बुल्ट आपने बराबर टाइट करने है। अगर एक टाइट करोगे फुल, दूसरा करोगे, ये पैटर्न कहीं से क्रैक भी हो सकता है, ये आपको याद रहे। ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद हम फिट करेंगे किक शफट। ये जो निशान है दोस्तों, यहाँ पे आपको निशान नजर रहा होगा, ये जो निशान है, ये हल्का सा, ये किक समंडल के निशान के सामने आना चाहिए, वरना किक की आवाज आएगी, स्टार्ट करोगे तो कर कर के आवाज आएगी। ये निशाना बराबर कर रहे हैं हम, ये निशान बराबर करना है। अच्छा दोस्तों, मेरी हाथ की मदद से भी स्प्रिंग मैंने डाल सकता हूं, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो ये हाथ के अंदर भी लग सकता है, इसकी नोक है जो हाथ के फिंगर पे भी आ सकती है, फिंगर की मदद से आपने नहीं कोशिश करनी, लेकिन मैंने आपके सामने टी रॉड की मदद से मैंने ये लगाया, आपने भी ऐसे लगाना है। इसके बाद आ जाएगा लॉक, किक समंडल का लॉक। किक समंडल का लॉक, लॉक को ऐसे घुमाना है आपने, ये लॉक घूमना चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ पे जोर दे देना, दोस्तों ये छह पिनी होती हैं। एक बेटा तगारी में देखो, तगारी में या इंजन वाले फ्री बैन, एल वाले फ्री बैन में देखो, उधर से उठा के ले। ये दोस्तों पांच पिने लगा दिए, एक पिन आगे पीछे हो गई है, वो लड़का उठाने गया है। उसके बाद है कि गेयर शाफ्ट, ये गेयर शाफ्ट, आप हमने एक पिन लगानी है, उसके बाद आपको हम काम दिखाएंगे। वीडियो आपने हमारी पूरी देखनी है। जितनी देर में लड़का पिन ढूंढते हैं, हम एल पंप की फिटिंग पे आते हैं। दोस्तों बाकी वीडियो आपने बाद में देखनी है।